हेलो, मैं डॉक्टर इमल वर्मा, गवर्नमेंट डिवी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। आज आप लोगों के सामने एमएससी फोर्थ सेमेस्टर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। उसमें आज का टॉपिक है हम लोग का मॉलिक्यूल्स एज ए वाइब्रेटिंग रोटेटर। तो वाइब्रेटिंग रोटेटर में दो प्रकार टर्म है, एक है वाइब्रेशन और एक है रोटेशनल। जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है या रोटेट करता है तो उसमें वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर होता है और उसमें जो है रोटेशनल स्ट्रक्चर होता है। तो पहले हम देखते हैं रोटेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। यदि हम दो मॉलिक्यूल लें, सपोज हम लेते हैं H और C, Cl, HCl लेते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, इसे हेटरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है और इसके बीच जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब इसमें इस केस में मानेंगे कि H और Cl के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो कांस्टेंट है। इट मीन ये जो है एक रिजिड रोटेटर है, एक रिजिड है, अर्थात इसमें जो है इस प्रकार से रोटेट करे तो रोटेट करने पर जो है इसके जो बॉन्ड लेंथ है उसमें कोई चेंज होता है। इट मीन इट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो रोटेशनल जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो हमको मिलता है फार इंफ्रारेड मिलता है। और इसके लिए जो वेव नंबर है उसका फॉर्मूला होगा एफ ऑफ जे इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे जे प्लस 1, जहां पर जे इज ए रोटेशनल क्वांटम नंबर, आई इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एच ट्वाइस एन सी इज कांस्टेंट। तो इफ जे इज इक्वल टू रोटेशनल क्वांटम नंबर देन वी पुट एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी इज इक्वल टू कांस्टेंट बी, देन बी एफ ऑफ जे इज इक्वल टू बी जे जे प्लस 1, वेयर बी इज ए रोटेशनल क्वांटम नंबर। And if j changes from 0 is equal to 1, 2, 3, 4, then f of j is equal to 0, 2b, 6b। इस प्रकार यदि हम इसका स्पेक्ट्रम देखें, स्पेक्ट्रम देखने पर क्या होगा, तो रोटेशनल के यदि हम जो है स्पेक्ट्रम देखें तो फॉर j इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, फॉर दिस वैल्यू वी हैव एफ जे इज इक्वल टू 0, 2b, 6b, 12b, 20b, 30b। इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ j, the spacing between the two levels are increasing as given in the diagram। Now vibration motion, for vibration तो इसमें भी क्या होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल जो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है जैसे कि HCl है, HF है, जिसमें डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं, ये वाइब्रेशन जो होता है इसमें क्या होता है नियर इंफ्रारेड मिलता है और इसमें स्पेक्ट्रम को मिलता है जब ट्रांजिशन जो है वन वाइब्रेशन लेवल टू अनदर वाइब्रेशन लेवल। इसमें दो प्रकार के केस है। यदि जो वाइब्रेशन इस प्रकार से सपोज एच ले और सी एल ए दोनों इस प्रकार से, ये जो है अपनी स्पेसिस पर क्या करता है वो ऑक्सीडेट करता है। यदि ऑक्सीडेशन जो है वो पहला केस में वो हार्मोनिक ऑक्सीडेटर है तो उसमें क्या होगा, इस केस में जो वेव नंबर है क्या होगा, जी ऑफ म्यू इज इक्वल टू ओमेगा बी प्लस हाफ होगा, जहां ओमेगा जो है उसका वाइब्रेशनल कांस्टेंट है और बी जो है इसे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। यदि हम जो है दूसरा जो केस लें, यदि वो एन हार्मोनिक ऑक्सीडेटर है तो एन हार्मोनिक ऑक्सीडेटर में क्या होगा, इसमें जो फॉर्मूला है वो जी ऑफ म्यू इज इक्वल टू ओमेगा ई प्लस, ये तो फर्स्ट वाला जो ये टर्म सेम टर्म है, लेकिन ये टर्म है इसमें ये टर्म ऐड हो जाता है ओमेगा ई एक्स ई वी प्लस हाफ स्क्वायर। इस ओमेगा ई एक्स ई जो है ये कहलाते हैं इसका जो है एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। अब इसके लिए हम जो है ग्राफ खींचे तो ग्राफ देखें इसका वाइब्रेशनल के लिए, यदि हम स्पेक्ट्रम देखें तो इसमें दो प्रकार के हैं, एक तो है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, दूसरा जो है एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए हम देखें तो इसमें हमको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा इस प्रकार मिलेगा, यहाँ पर बीस जीरो वन टू थ्री फोर है, इसे करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को जो है ओमेगा बाई टू टू थ्री एम बाई टू, इट मीन दोनों डिफरेंस कितना इसे ओमेगा डिफरेंस होगा। तो हमको यहाँ पर जो है जे वी की वी जीरो वैल्यू इंक्रीज होने पर क्या होगा, यहाँ पर हमको जो है इक्विड स्पेस डिस्क्रीट लेवल मिलता है। लेकिन यदि अपन एन हार्मोनिक को देखें, इन एन हार्मोनिक इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है इसमें अपन निकाले सेम फॉर्मूला से, जो दिया हुआ फॉर्मूला जो है जी ओमेगा इज इक्वल टू जी म्यू इज इक्वल टू ओमेगा बी प्लस हाफ माइनस ओमेगा ए एक्स सी बी प्लस हाफ स्क्वायर, उससे निकाले थे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है शुरू में गेप तो ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वी की वैल्यू इंक्रीज होता है यहाँ पर स्पेसिंग जो है वह क्या होता है डिक्रीज होता जाता है। इस प्रकार से हार्मोनिक और इन हार्मोनिक जो है उसके लिए जो है ये ग्राफ है। अब देखते हैं अभी मॉलिक्यूल जो है रोटेशनल के साथ साथ में जो वाइब्रेशनल मोशन करे कैसे होगा। यदि कि अपन लेते हैं एक एच लेते हैं एक सी एल लेते हैं, इस प्रकार से दो एटम्स हैं, तो इस प्रकार से यदि रोटेट कर रहा है इस प्रकार से और इस प्रकार से वाइब्रेट कर रहा है, तो जब रोटेशनल और वाइब्रेशन होता है दोनों एक साथ होता है तो उसकी एनर्जी जो है थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। यदि अपन देखें तो रोटेशनल के लिए हमको मिलता है एफ ऑफ जे इज इक्वल टू बी जे जे प्लस 1 मिलता है, और यदि हम एन हार्मोनिक को ले
तो उसके लिए जी ऑफ म्यू इज इक्वल टू ओमेगा ई बी प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई बी प्लस हाफ स्क्वायर मिलता है। यदि दोनों को हमें जोड़ दें, यदि हम माने कि रोटेशनल और वाइब्रेशनल दो अलग अलग है लेकिन वो कंबाइंड कर ही कर दे, तो कंबाइंड करने पर जो वेव नंबर मिलेगा वेव नंबर इतना हो जाएगा यहाँ पर जो है जी म्यू प्लस एफ जे इज इक्वल टू बी जे जे प्लस वन प्लस ओमेगा ई बी प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई बी प्लस हाफ स्क्वायर जोड़ दें। तो यदि हम देखें कि यहाँ पर जो है दो, यदि हम जो है दो, यदि अपन जो है वाइब्रेशनल मोशन देते हैं, लेबल लेते हैं बी इज इक्वल टू जीरो बी इज इक्वल टू वन, तो बी इज इक्वल जीरो वन के बीच में जो है हमको नंबर ऑफ रोटेशनल लेबल मिलेगा। यदि अपन एससीएल केस देखें, एससीएल केस में देखा गया है कि दो जो लेबल है वाइब्रेशनल लेबल है उसके बीच में करीब 50 इस प्रकार से जो है रोटेशनल लेबल मिलते हैं। इट मीन तो यहाँ पर जो है एनर्जी का वैल्यू चेंज जाएगा। यहाँ पर देखें v जो है h upon h by r square ic है is equal to 1 h upon h by square, यदि i is equal to mu r square ले तो इतना हो जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पर देखें तो आदि जो है जो कि सेंटर पॉइंट है वह v is equal to 0 1 2 3 पर देखें तो इसका मान जो है यहाँ पर v इंक्रीज होने पर जो है ये जो है इसका वैल्यू इंक्रीज होता है, इसमें आदि जो है इस तरफ चेंज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन b लिए थे जो कि b जो है दैट इज डिफाइन द स्पेसिंग बिटवीन द टू रोटेशनल एनर्जी लेवल, जो ये वैल्यू जो है बी बी जो है वो क्या हो जाएगा वी बी हो जाएगा। वी बी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वाइब्रेशनल मोशन आगे काम टर्म में आगे है, इसलिए वी बी जो है फॉर्मूला से क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई स्क्वायर म्यू सी 1 अपॉन आर स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। इस प्रकार आगे देखें आप, यदि यहाँ पर वाइब्रेशनल रोटेशनल के लिए स्पेक्ट्रम देखें तो यहाँ पर दो लेवल लिए हैं वी प्राइम इज इक्वल जीरो जीरो से लेकर के मंथन, ये जो है ये अपना जो इसी से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अब इस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बीच में डिफरेंट जो है अपना यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी लेवल है, तो यहाँ पर जे प्राइम इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, जे डॉट प्राइम इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर, इस प्रकार से हमको डिफरेंट यहाँ पर जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिलता है। अब यहाँ पर इसके लिए देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, ट्रांजिशन कहाँ कहाँ होगा, तो ट्रांजिशन के लिए जो दिया है फॉर्मूला जो है ये है डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। अब तो गिवन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए हमको यहाँ पर जो है किस प्रकार से रोटेशनल में ट्रांजिशन होता है, तो रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए कंडीशन है कि पहला कंडीशन यह है कि डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन, इट मीन्स यहाँ पर जो है डेल्टा जे प्लस वन यहाँ से यहाँ जब जीरो से वन जीरो वन से टू इस प्रकार से ट्रांजिशन होगा तो उस केस में क्या मिलेगा डेल्टा जे जो प्लस वन मिलेगा, तो इस प्लस वन में हम क्या मिलता है एक लाइन ऑफ वन सेट ऑफ लाइन मिलता है और उस वन सेट ऑफ लाइन जो मिलता है उसको हम बोलते हैं आर ब्रांच। और जब j इज इक्वल माइनस वन होता है जब यहाँ पे 1 से 0 2 से 1 इस प्रकार से ट्रांजिशन हो तो उसमें जो है डेल्टा j माइनस वन मिलता है, और डेल्टा j माइनस वन जब मिलता है तो उस केस के उस क्लास में जो सेट ऑफ लाइंस मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पी ब्रांच। आर ब्रांच और पी ब्रांच जो है यहाँ पर मिलता है, इसको हम डायग्राम देखें। अब इसमें अपन देखें मैथमेटिकल देखें तो यदि एक ट्रांजिशन लेवल से दूसरे लेवल में यदि ट्रांजिशन होता है तो उसके लिए वेव नंबर जो म्यू जो है इक्वल टू यदि पहला जो है म्यू प्राइम है यहाँ पर इसी लेवल है, दूसरा जो है डबल प्राइम है। अब यहाँ पर एफ जो है पिछले बार जो था रोटेशन यदि क्लियर रोटेशन तो वहां पर हम केवल एफ ऑफ जे लिए थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर वाइब्रेशन मोशन है साथ में इसलिए यहाँ है एफ ऑफ म्यू प्राइम जे बी एफ जे दो टर्म आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है फर्स्ट ट्रांजिशन है फर्स्ट एनर्जी फर्स्ट लेवल है सेकंड लेवल है। अब ट्रांजिशन भी होता है तो उसके लिए आपको जो फॉर्मूला है इसमें इसका वैल्यू रखें यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर ये इसका वैल्यू जो है यहाँ पर ये रख देते हैं इसका वैल्यू रखने पर आपको इस प्रकार से मिलता है। तो यहाँ पर यदि वी जीरो इज इक्वल टू जी म्यू प्राइम माइनस जी म्यू प्राइम जो है ये अपने मिले तो वी जी कांस्टेंट, तो वी यदि आर ब्रांच के लिए तो इसमें वी ऑफ आर लें इज इक्वल टू म्यू जीरो प्लस इसमें। अब यहाँ पर ट्रांजिशन जो हो रहा है वो जे प्राइम इज इक्वल टू जे डबल प्राइम प्लस वन होता है, इट मीन्स हम यहाँ पर जो है जे प्राइम यहाँ पर है वहाँ पर जो है जे डबल प्राइम प्लस वन रखें यहाँ पर, यहाँ पर जे प्राइम है यहाँ पर जे डबल प्राइम प्लस वन, यहाँ पर जे प्राइम है यहाँ पर जे डबल प्राइम प्लस वन जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू है इसके वैल्यू यहाँ पर रखें इसको सॉल्व करें तो हमको मिलेगा वी एफ आर इक्वल टू दिस वन, यहाँ वैल्यू ये वैल्यू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। अब यहाँ पर देखें वी वी ऑफ प्राइम इज लेस देन वी वी ऑफ डबल प्राइम, इसका मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यू जो है हमको क्या निगेटिव वैल्यू मिलेगा, और चूंकि v प्राइम और v डॉट प्राइम ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए ये वैल्यू क्या हमें हमको जो है ये जो है पॉजिटिव मिलेगा, एक हमको निगेटिव मिलेगा और एक हमको क्या पॉजिटिव मिलेगा, तो हम क्या मिलेगा ये जो है लिनियर है इसलिए लिनियर 3 बी वी प्राइम माइनस बी डॉट प्राइम इंटू जे प्राइम, यहाँ पर लिनियर है एक ऐसा है क्वाड्रेटिक है, तो हमको जो क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर जो है वो लिनियर एंड क्वाड्रेटिक टर्म इन अपोजिट डायरेक्शन, एक निगेटिव है और एक ऐसा है पॉजिटिव है, तो स्पेसिंग decreases very slowly as j double prime takes on increasing value, j double prime के
वैल्यू बढ़ने पर क्या होगा कि जो स्पेसिंग जो है वह क्या होगा डिक्रीज होगा। इट मीन यदि हम जो है जे डबल प्राइम इक्वल 012 के लिए अपन आर पांच की लाइन दें तो 0 क्रॉस पॉइंट हमको आर 0 मिलेगा, 1 क्रॉस पॉइंट आर 1 मिलेगा, 2 क्रॉस पॉइंट आर 2 मिलेगा। यदि हम जे डबल प्राइम 012 से आगे जाए तो आर 0 आर 1 आर 2 आर 3 आर 4 इस प्रकार से मिलेगा। उसके लिए स्पेसिंग जो है वह कैसा होगा धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। यदि अब हम प्री ब्रांच के लिए देखें तो प्री ब्रांच के डेल्टा जे इज इक्वल टू -1, इट मीन जे प्राइम इज इक्वल टू जे डॉट प्राइम -1। पुट द वैल्यू ऑफ जे प्राइम तो बीपी पी फॉर प्री ब्रांच इज इक्वल टू बी 0 प्लस बी बी प्राइम जे प्राइम डॉट प्राइम -1 जे डॉट प्राइम -1 प्लस 1 प्राइम माइनस बी डॉट प्राइम, इतना ये वैल्यू आएगा। अब इस वैल्यू जो है इस वैल्यू को यदि अपन जो है यहाँ पे देखें सॉल्व करें तो बीपी इज इक्वल टू बी 0 माइनस बी बी प्लस बी डॉट डी डबल प्राइम जे प्राइम प्लस बी बी प्राइम माइनस बी बी डबल प्राइम जे प्राइम स्क्वायर। ये अपना लीनियर टर्म है, अभी अपना जो है क्या है क्वाड्रेटिक टर्म है। इसमें यहाँ पर देखें वी बी इस देन वी बी डबल प्राइम, इट मीन ये हमको जो है नेगेटिव मिलेगा। दिस टर्म इज नेगेटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, अभी नेगेटिव मिलेगा। इट मीन यहाँ पर जो है वी बी के लिए जो लीनियर और क्वाड्रेटिक टर्म मिल रहा है दोनों टर्म जो है वह यहाँ पर जो है निगेटिव है। इट मीन क्या होगा कि यहाँ पर जो है यदि हम जो है जे वैल्यू रखें तो जे डबल प्राइम इज इक्वल टू 1 2 इस प्रकार से आए तो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा P1 P2 P3 मिलेगा, P1 P2 P1 P2 इस प्रकार से मिलेगा। P1 P2 जो लाइन मिलेगा यहाँ पर जे की वैल्यू बढ़ने पर क्या होगा P1 P2 P3 जाएंगे तो जानने पर क्या होगा इसका जो बीच जो स्पेसिंग बिटवीन द P1 P2 है या P2 P3 है वह जो है जे डबल प्राइम वैल्यू इंक्रीज होने पर वो वैल्यू स्पेसिंग क्या होगा वह इंक्रीज हो जाता है। यदि हम पी ब्रांच और आर ब्रांच दोनों के लिए हम कंबाइंड ग्राफ में देखें तो यहाँ पर देखें रोटेशनल वाइब्रेशनल के लिए हम ट्रांजिशन देखें तो यहाँ पर ये वी प्राइम इज इक्वल टू 0 यहाँ पर वी डबल प्राइम इज इक्वल टू 1 ये फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल है, ये जो है सेकंड है। यहाँ पर इसके बीच करस्पॉन्डिंग यदि यहाँ पर जो है रोटेशनल जो एनर्जी लेवल है यहाँ पर जे डबल प्राइम इज इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 3 4 5 और जे प्राइम इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। यदि यहाँ पर देखें जे डेल्टा जे इज इक्वल टू 1 डेल्टा जे इज इक्वल टू 1 नोटिंग यहाँ पर यदि हम यहाँ 0 से 1 में जाएं या 1 से 2 में जाएं या 2 से 3 में जाएं या 3 से 4 में जाएं या 4 से 5 में जाएं यहाँ पर हमको जो है डेल्टा जे इज इक्वल टू 1 मिलता है। तो डेल्टा जे में 0 0 करस्पॉन्डिंग मिलता है आर 0, 1 करस्पॉन्डिंग आर 1 आर 2 आर 3 मिलते हैं, ये अपने आर ब्रांच हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो आर ब्रांच में क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर हम जे प्राइम के जे डॉट प्राइम की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस जो है वह डिक्रीज होता है। यहाँ पर देखें ज्यादा डिक्रीज ज्यादा है और यहाँ पर धीरे धीरे जो है डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर दूसरा जो पी ब्रांच है पी ब्रांच में देखें यहाँ पर जो है पी ब्रांच जो है वह 0 शुरू नहीं होता। यहाँ पर जो आर ब्रांच है उसके लिए ट्रांजिशन जो है 0 से होता है लेकिन यहाँ पर जो है मिनिमम जो है 1 होगा 1 से 0 क्योंकि यहाँ पर जो है डेल्टा जे जो है इज इक्वल टू -1। डेल्टा जे -1 होने के कारण से क्या होगा कि ट्रांजिशन जो है वह 0 से नहीं होगा, यहाँ से 1 से होगा तो 1 से 0 2 से फिर यहाँ पर 3 3 से 4 4 से 5 इस प्रकार से मिलेगा। तो हमको यहाँ पर P1 P2 P3 ब्रांच मिलेंगे लाइंस मिलेंगे, ये जो पूरे है ये सब कहलाते हैं पी ब्रांच और ये जो है ये पूरे कहलाते हैं आर ब्रांच। यदि हम यहाँ पर जो है ट्रांजिशन में डेल्टा जे 0 को भी दे दें डेल्टा जे को 0 करें तो क्या होगा 0 से 0 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 होगा। यहाँ पर जो है ट्रांजिशन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्यू ब्रांच जहाँ पर डेल्टा जे इज इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ पर तीन ब्रांच मिलते हैं, पहला ब्रांच जो है डेल्टा जे इज इक्वल 0 क्यू ब्रांच, डेल्टा जे इज इक्वल टू 1 आर ब्रांच, डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 जो है पी ब्रांच। तो इस प्रकार दो वाइब्रेशनल जो एनर्जी लेवल है उसके बीच में हमको नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी मिलते हैं दैट इज ड्यू टू द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इस कारण से इसका जो हम एनर्जी ग्राफ देखते हैं इस एनर्जी ग्राफ में हमको जो है पी क्यू और आर 1 मिलता है। थैंक यू।